नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। अमृत काल देशर युवपीढ़ी पाई आनी पर्याप्त सुजोग नूतन शताब्दी पाई युवक मानकु प्रस्तुत करुछि नूतन जातीय शिक्षा नीति। तृतीय रोजगार मेला अवसर रे 71,000 नियुक्ति पत्र प्रदान कले प्रधानमंत्री। पीएम रोजगार मेला माध्यम रे मिलिब 10,00,000 नियुक्ति। देशर युवपीढ़ी को निज योग्यता अनुसार नियुक्ति जोगाइबा पाई केन्द्र सरकार का संकल्प एवं नियुक्ति आशाई मध्य सृष्टि करिछि आशा भरोसा। आज अनुष्ठित तृतीय रोजगार मेलारे प्रधानमंत्री सरकारी नियुक्ति पत्र पाई देशर 71,000 नियुक्ति आशाई। उत्तराखंड डेराडुनरे अनुष्ठित पीएम रोजगार मेला सह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे जोड़ी होइथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चाकिरी मेलारे अंशग्रहण करिथिबा एवं नियुक्ति पत्र ग्रहण करिथिबा समस्त प्रार्थी को अभिनंदन जणाइथिले। जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बदलने वाला है। लेकिन जिस सेवा में आज आप प्रवेश कर रहे हैं वो सिर्फ आपका जीवन बदलने का नहीं बल्कि वो व्यापक बदलाव का माध्यम है। समस्त को आग को बढ़िबार उचित माध्यम मिलो। नूतन जातीय शिक्षा नीति नूतन शताब्दी पाई युवक मानको प्रस्तुत करुची बोली निज संबोधन रे प्रकाश करथिले प्रधानमंत्री। हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। गत किछि मास मध्यरे केंद्र सरकार देशर लक्ष लक्ष युवकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करिछंती। आग को मध्य एहा जारी रहिबो। गत वर्ष अक्टोबर रे प्रथम रोजगार मेलारे 75,000 युवकों को विभिन्न सरकारी क्षेत्र रे नियुक्ति मिलिथिला। एहा पूर्वरु जनवरी 21 रे राजस्थान रा जयपुर रे आयोजित होइथिला रोजगार मेला। रोजगार मेला माध्यम रे पाखा पाखी 10,00,000 युवकों को नियुक्ति जोगाइबा पई लक्ष्य रखिछंती सरकार। केंद्र सरकार को 78 विभाग रे नियुक्ति प्रदान करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।